क्यों टी सीरीज इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं कर पाएगा? ये छोटा सा बच्चा ऐसे भी क्या वीडियोस बना रहा है जिससे इसके सब्सक्राइबर्स पूरे इंडिया के पॉपुलेशन से भी ज्यादा होंगे? और ऐसा कौन सा चैनल है जिसके सबसे पहले 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, टी सीरीज। इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी अब इसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है। आपको शॉक लगेगा लेकिन इसकी ग्रोथ जी म्यूजिक कंपनी से भी 2 गुना कम है, लेकिन इनके ऑलरेडी 200 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है जो कि इन्हें 1 बिलियन रेस में बहुत ही बड़ा बूस्ट देंगे। टी सीरीज के भी 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, पर ऐसा करने में ये फर्स्ट नहीं होंगे। नंबर 7, प्यूडीपाई। इतने बड़े चैनल की ग्रोथ अब ना के बराबर है। ये चैनल एक टाइम पर सबसे बड़ा चैनल था, लेकिन अब इनकी ग्रोथ नहीं है। प्यूडीपाई ने खुद कई बार कहा है कि वो एक तरीके से अब यूट्यूब से रिटायर हो गए हैं, इसलिए शायद ही इनका चैनल कभी 500 मिलियन या फिर 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करेगा। पर अब तक इन्होंने जितना अचीव किया है इस वजह से इनको लिस्ट में रखना जरूरी था। नंबर 6, सेट इंडिया। ये इस वक्त ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे YouTube का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है। आप इनके एनालिटिक्स को देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि इसके एनालिटिक्स के हिसाब से ये अगले 4 से 5 साल के अंदर 600 मिलियन तक पहुंच सकता है और फिर अगले 8 सालों के अंदर 1 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, सेट इंडिया एक म्यूजिक चैनल नहीं है। इस पर कई प्रकार के शोज और बहुत कुछ डालते हैं और सारी चीजें हिंदी लैंग्वेज में ही होती है। इस वजह से एक टाइम के बाद इस चैनल की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। हाँ, पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हिंदी बोलते तो हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सब लोग सब्सक्राइब करेंगे। वैसे गाइस, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। नंबर 5, कोकोमेलन। ये चैनल अगले 5 साल में 500 मिलियन तक पहुंच सकता है। अब इसके 144 मिलियन सब्स है। इनकी ग्रोथ सेट इंडिया से कम है, लेकिन ये बहुत स्टेडी ग्रोथ है जिसकी वजह से ये 10 से 15 साल में 1 बिलियन तक गारंटी से पहुंच जाएंगे। और ये किड्स कंटेंट बनाते हैं, लेकिन ये एनिमेटेड फॉर्म है जिस वजह से इनको कंटेंट खत्म होने की प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। साथ में ये कोई इंडिविजुअल चैनल नहीं है बल्कि पूरी कंपनी है, तो प्यूडीपाई की तरह ये शायद ही कभी रिटायर होंगे। नंबर 4, किड्स डायना। ये चैनल भी 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स कर सकता है। ये चैनल किड्स वीडियोस बनाता है और फोन आज जितना कॉमन हो गया है इससे इनका चैनल अचानक से बूम हो गया, जिस वजह से इनको बहुत व्यूज आते हैं। अब इनके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अगले 5 साल में ये 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये 20 साल में आराम से 500 मिलियन या फिर 1 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है और इसमें मेन जो वीडियोस देखते हैं वो भी बच्चे ही हैं, पर उम्र के साथ उनकी एज बढ़ेगी जिस वजह से इनके चैनल को लोग कम देखेंगे। नंबर 3, मिस्टर बीस्ट। इनकी ग्रोथ देख के आपको चक्कर आ जाएंगे। इनके इस वक्त 106 मिलियन सब्स है और ये एक इंडिविजुअल क्रिएटर होने के बाद भी इनकी ग्रोथ से कई बड़ी कंपनीज भी डरती हैं। अगले 5 साल में ये 600 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकते हैं और ये शायद फास्टेस्ट 1 बिलियन वाला चैनल होगा। और मिस्टर बीस्ट के कई अलग अलग चैनल्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में और उन सबको मिलाया जाएगा तो इनके टोटल 200 मिलियन सब्स है। यहां तक कि अब वो अपने वीडियो में अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शंस भी डालते हैं और ना जाने कितने लैंग्वेजेस के सबटाइटल्स ये प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से लैंग्वेज बैरियर को ये क्रॉस कर देते हैं और ये 1 बिलियन तक पहुंचने वाले सबसे फास्टेस्ट क्रिएटर बन सकते हैं। नंबर 2, लाइक नास्तिया। ये छोटी बच्ची आगे चल के 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकती है। ये भी एक किड यूट्यूबर है और इनके 101 मिलियन सब्स है। धीरे धीरे इस चैनल की ग्रोथ कम हो रही है और इसकी वजह है लोगों का बड़ा होना, लेकिन ये चैनल अपने कंटेंट को थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से ये चैनल अभी थोड़ा बूस्ट में है। और अगर ऐसे ही ग्रोथ होती रही तो यकीनन ये 1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट बिलियन हिट करने वाला चैनल तो बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 1, जी म्यूजिक कंपनी। ये इंडियन चैनल के अभी 88 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये चैनल बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। इसके कंटेंट में ज्यादातर हिंदी गाने हैं, लेकिन गाना एक ऐसी चीज है जो लोग लैंग्वेज बैरियर तोड़कर भी सुनते हैं। यानी अगर आप एनीमे या फिर बीटीएस के फैन हो तो फिर आप जापानीज और कोरियन गाने सुनते होंगे। तो इस तरीके से लैंग्वेज बैरियर म्यूजिक में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, जिस वजह से ये वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं। इसलिए अगले 5 साल में ये आराम से 100 मिलियन सब्स क्रॉस कर लेगा और 10 साल के अंदर शायद 1 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। इस वीडियो में हमने 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स की बात तो की है, लेकिन क्या आपको पता है 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स पर क्या प्ले बटन मिलेगा? तो इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मुझे एक फोटो मिला। ये YouTube हेडक्वार्टर्स में पड़ा हुआ है। ये रूबी प्ले बटन जैसा दिख रहा है और YouTube पर काम करने वाले बंदे ने इस फोटो को सोशल मीडिया पर डाला था, ये लिखते हुए कि ये 1 बिलियन वाला प्ले बटन है। हालांकि बाद में उसने कहा था कि ये बस मजाक कर रहा था, पर क्या पता सच में यही हो 1 बिलियन का प्ले बटन। आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो शायद आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और आगे भी बिना किसी फालतू इन्फो के बिना स्किप किए वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।